नमस्कार दोस्तों, ये हम लोगों ने प्रयास किया था वर्मी कंपोस्ट के बारे में। इसका बहुत सुना था, तो जो केचुए थे वो हम लोगों को मिले हैं लखनऊ में। गोसाईगंज ब्लॉक है, वहाँ पे एक स्वयंसेवी संस्था है, वहाँ से बड़ा शोर से पारस लगाने के बाद में मिले थे। तो इसको हम लोगों ने इसमें केचुए डाले हुए हैं, तो उसको ज़रा पलट करके देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अभी पापा ने इसको खोल दिया, बता रहे थे केचुए ऊपर थे और वो नीचे चले गए। तैयार बहुत अच्छा हुआ है, जा रहा है दूसरी ले लेते हैं। देखते हैं इसमें छोटे छोटे केचुए, ये सब अच्छी खाद बनाई है। तभी ये भी एक्सपेरिमेंट ही है, अभी जाड़ा आ गया है तो थोड़ा ये स्लोप पर काम करते हैं। मैं गुड़ा वो सब जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को जानकारी होगी वो सब इसमें डाला गया था। अब इसको थोड़ा हमने सिस्टमेटिक वे में इसके लिए बना करके बकायदे फिट बना करके इसको किया जाएगा, और क्या रिस्पांस रहता है उसका, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। और फिलहाल हम लोगों ने किया नहीं था, नीचे पॉलीथीन बिछी हुई है, इसके ऊपर ठंडा जो गोबर था वो गोबर रखा गया था, और उसमें जो भी केचुए थे उनको डाल दिया गया था। तो डालने के बाद में ऊपर से पॉलीथीन से इसको ढक दिया जाता था, और यहाँ पास में ही पानी की व्यवस्था है तो समय समय पर इसमें पानी का छिड़काव किया जाता था, उसको ढक देते थे। तो अब इसको ये सफल रहा है ये प्रयोग, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो इसको थोड़ा हम लोग एक इसके लिए पिट बनवाते हैं और उसमें हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक वे में इसको किया जाएगा। तो देखते हैं क्या रहता है उसका। और इसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट के साथ में डिकम्पोज़र, ये हम लोगों ने दो डिब्बे किए हैं पीपे, तो उसमें ये देख सकते हैं आप, ये डिकम्पोज़र इसके अंदर बना हुआ है। रोज दिन में एक बार चलाया जाता है, 20 रुपए की एक सीसी मिली थी इसके अंदर गुड़। और एक इसमें हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिशन बनाया हुआ है, तमाम तो चीज़ें इसमें डाल करके अलग अलग दालें वगैरह इनका भी हम लोग स्प्रे भी करते हैं और सिंचाई के साथ में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके भी कैसे रिजल्ट रहते हैं ये सब आप लोगों को बताएंगे आगे की वीडियो में। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, जो जो जानकारियाँ मिलती जाएंगी और जो जो करते जाएंगे हम लोग, और जो समस्याएं आती जाएंगी या जिनमें सफलता मिलती जाएगी, प्रॉफिट होता जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।